अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी क्या हाल है हम सब के? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सारे हैं ठीक ठाक। जी हाँ, मेरा यहाँ से गुज़र हो रहा था सी साइड के पास से, तो सोचा क्यों नहीं रुक जाऊँ, थोड़ा सा नेचर का, जो कुदरत का और अल्लाह के रंग है उनका नज़ारा किया जाए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। जी हाँ, ठंड तो बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आई नो बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो तो ठंडा है यहाँ का, लेकिन सम टाइम जो हमारा जिसे हम कहते हैं ना ज़हनी सुकून, सच बताऊँ तो वो इन्हीं चीज़ों में भी कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है, और मुझे तो बड़ा रिलैक्स फील हुआ है। होपफुली जी आप सारे भी इंजॉय कर रहे हैं अपना आफ्टरनून, और कहीं कहीं पे भी अभी इवनिंग हो गई है और कहीं पे सुबह है, तो आप सबको बहुत प्यार भरा सलाम अगेन। एंड यहाँ पर जी मैं आप सबको व्यू करवा रही थी सी साइड का एक जो पार्ट है वो, मैं तो यहाँ कैसे फील कर रही हूँ जैसे बंदा पता नहीं कहाँ चला जाता है, कौन सी दुनिया में चला जाता है, और सच बताऊँ मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे बंदा किसी ऐसी जगह पे आ गया जहाँ कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि सम टाइम जो नेचर है ना वो बड़ी ज़रूरी है, नेचर है उसके व्यू करने चाहिए, सुकून बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। खैर सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सबके अपने अपने देखने का तरीका है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मुझे तो यहाँ के ऐसे लगा है कि जैसे बंदा पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में आ जाता है जहाँ कोई टेंशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यही कहूँगी, अल्लाह पाक के रंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजॉय करिए जी अपना आफ्टरनून, इंशाल्लाह सी यू, टेक केयर गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।